नमस्कार जी, वेलकम बैक IIT एकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, MSc मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ IIT खड़गपुर। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं IIT रुड़की से हेमंत कुमार जी, जो कि MSc कर रहे हैं IIT रुड़की से। हम इनसे जानते हैं कि IIT रुड़की के कैंपस लाइफ कैसी है, हॉस्टल्स कैसा है, वहाँ पर प्लेसमेंट होता है या नहीं होता, लाइब्रेरी कैसी है, मेस का खाना कैसा है। तो हेमंत कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल IIT एकेडमी पर। नमस्कार सर, माय नेम इज हेमंत। आई एम फ्रॉम मुरादाबाद, यूपी। आई डिड कंप्लीट माय ग्रेजुएशन फ्रॉम IIFM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, एंड नाउ आई एम परसुइंग MSc मैथमेटिक्स फ्रॉम IIT रुड़की। ओके, हेमंत कुमार जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको IIT जेएम के बारे में कब पता चला और कैसे पता चला? मैं जब सेकेंड ईयर में था तो तब हमारे एक फैकल्टी थी मैथमेटिक्स की, तो वो IIT रुड़की से थे एक्चुअली। तो उन्होंने ही बताया था IIT जेएम आइजर, कैसे आप IIT आइजर में पहुंच सकते हैं आफ्टर BS। ओके, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो IIT जो कोविड सिचुएशन चल रही है, उस समय बच्चों को ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए? ऑनलाइन कोर्स से क्या क्या फायदा होता है, क्या नहीं होता, और ऑफलाइन कोर्स लेना सही रहता है बच्चों के लिए? अब देखो, कोविड में तो ऑफलाइन क्लासेस चल ही नहीं रही हैं, लेकिन ऑनलाइन भी बेटर ही है। सारा फील आ जाता है, खुद से ज्यादा जितना पढ़ेगा बच्चा उतना डिपेंड है। ऑनलाइन भी बढ़िया है मेरे हिसाब से, तो ऑनलाइन बेस्ट ही है। ये है, अब हम इस बात पे आते हैं कि जब ऑनलाइन बच्चा कोर्स स्टार्ट करता है तो उनके सामने एक डिफिकल्टी आती है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो बच्चा इनमें ज्यादा एक्टिव होने लगता है। तो आपको क्या लगता है, आपने भी ऐसी सिचुएशन फेस करी होगी या नहीं की? हाँ, ये तो आता ही है। कभी कभी हम जैसे पढ़ते थे तो लाइब्रेरी में ऐसा होता था, यूट्यूब में आधा घंटा चला गया। कभी कभी यस कोई वीडियो ऐसी मिल गई मोटिवेशनल या जो भी, उसमें 1 घंटा चला गया। तो फिर हम सोचते थे, क्या बाउंड करते थे अपने आप को, कि आज मोबाइल में वीडियो नहीं, यूट्यूब को ओपन ही नहीं करना, कि आज व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया, व्हाट्सअप देखना ही नहीं है। बस ऐसे ही मैनेज करते थे अपने आप को। सभी करते हैं, स्टूडेंट जो अच्छे स्टूडेंट है वो मैनेज करेंगे, और ऐसे ही होता है मैनेज। ऐसा नहीं होता है कि खत्म ही कर दिया जाए, खत्म नहीं होगा। व्हाट्सएप, फेसबुक मोबाइल में रह गई, लेकिन कैसे आप हैंडल कर रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कौन कौन सी बुक फॉलो की थी उस समय IIT जेम के लिए। IIT जेम में मैंने रियल एनालिसिस को एसके मापा और आर कुमार बेसिक से स्टार्ट करके एसके मापा पर मैं पहुंचा, और लीनियर अलजेब्रा में मैंने सोम सीरीज आर कुमार पढ़ा, और एब्स्ट्रैक्ट का तो फेमस ही है गैलियन, वही फॉलो किया बस मैंने। और इंटीग्रल कैलकुलस में संवेदना को फॉलो किया, उसका वेक्टर कैलकुलस भी बढ़िया था, वो उन दोनों से पढ़ा मैं, इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस, बहुत अच्छा था उसका। आपके जो बेसिक थे वो पहले से क्लियर थे या आपको कोचिंग मिलने के बाद आपके बेसिक क्लियर हुए? मेरे पहले से क्लियर नहीं थे इतने बेसिक, बाद में ही क्लियर हुए। मैंने कोचिंग किया था दिल्ली में थोड़ा, तो वहीं पे मेरे बेसिक क्लियर हुए। मैंने ज्यादा मन नहीं किया था, कुछ ही मन करने के बाद फिर मैं सेल्फ पे आ गया था। ओके, स्टूडेंट को कब से अपनी तैयारी स्टार्ट करने देनी चाहिए? मेरा कहने का मतलब क्या है, BSc सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में? सेकेंड ईयर से ही कर देनी चाहिए, क्योंकि गैप वगैरह अगर होना है तो, अगर नहीं आ रहा एक बार में तो थोड़ा समझ नहीं आता स्टार्टिंग में, हाई लेवल रहता है जेम का, तो धीरे 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 पढ़ पढ़ के समझ में आने लगता है, तो टाइम थोड़ा चाहिए। इसलिए सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। थर्ड ईयर में देना है ना एग्जाम, तो सेकेंड ईयर से कर ही देनी चाहिए। ओके, जब हम बात करते हैं कि जब बच्चा जब तैयारी करना स्टार्ट करता है, कोई भी स्टूडेंट तैयारी करना जब स्टार्ट करता है, तो उनको किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए स्टूडेंट को? देखिए, वेटेज के हिसाब से भी देख लें आप। वैसे तो किसी को प्योर अच्छा लगता है, किसी को अप्लाइड, लेकिन जिसमें ज्यादा वेटेज है तो उसको ज्यादा ही टाइम दें, जिसका वेटेज कम है तो उसको कम टाइम में भी। जैसे ओडी है तो ओडी मैंने बहुत कम समय में खत्म कर दिया था, यहाँ की मैंने 15 दिन पढ़ा ओडी और मैंने फिनिश कर दिया मतलब। तो ऐसे सब्जेक्ट को आप कम टाइम दे सकते हैं, जैसे ओडी हुआ, इसका वेटेज भी कम रहता है, 6 to 8 मार्क्स का आ गया, कभी कभी मैक्सिमम 10 के आ जाता है। और बाकी जो जहाँ से ज्यादा आ रहा है तो वहां से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा। रियल एनालिसिस लास्ट ईयर में बहुत ज्यादा रियल एनालिसिस पूछ लिए, तो ये था। एक चीज और देखने को मिलती है, जो भी बच्चा जब कोचिंग करता है, जो भी स्टूडेंट जब कोचिंग करता है, तो एक ज्वेलसी की भावना आ जाती है। तो आपको क्या लगता है, ऐसे कैसे मोटिवेट हो? मान लीजिए आपके नंबर कम आ रहे हैं किसी से, दूसरे से, तो आप किस प्रकार का बिहेव करते हैं, या फिर आपके कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या होता है ये सब कुछ? देखो, ज्वेलेसी एक चीज अच्छी है, वो होने भी चाहिए, सब में होना चाहिए, लेकिन ज्वेलेसी उससे ना हो कि लड़के से नहीं होनी चाहिए, मार्क्स से भले हो, मार्क्स से होनी चाहिए कि यार ये सीख रहा है मैं क्यों नहीं सीख रहा हूँ, मुझे भी सीखना है।
तो सीखने पे ज्यादा फोकस करें, ऐसे नहीं होने के ये पढ़ रहा है यार ये बेकार, उसके बारे में बेकार सोच रहे हैं, जितना बेकार सोचोगे तो बेकार ही होगा, लेकिन ये है कि ये कैसे ला रहा है वो सोचो, पर जैसे डे को अच्छी चीज आप, है वो। हाँ जी मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, पर डे को क्या आप टारगेट बनाते थे क्या मुझे ये करना है, और क्या आप उस टारगेट को फॉलो करते थे, कंटिन्यूटी रख पाते थे क्या हाँ उस चीज मैं को टाइम करने के टेबल लिए? से नहीं पढ़ा था, मैं टारगेट से ही खत्म किया मैंने सारी चीजें कि अब इतना निपटाना है मुझे, रियल इतना खत्म कर देना है, इतने चैप्टर का मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, इतना सिलेबस रियल का पढ़ना है, या इतना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को टाइम देना ही देना है, इतना 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 ऐसे ही करता था, मतलब टाइम टारगेट से ही पढ़ता था, मतलब क्या इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना और इतना पढ़ लेना, हाफ खत्म कर देना है, या ऐसे कुछ टॉपिक वाइज से। तो मैं ये जैसे आज सीक्वेंस सीरीज पढ़ना है मुझे, तो सीक्वेंस सीरीज दोनों खत्म ही करना है रियल एनालिसिस में। ओके हेमंत कुमार जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने ड्रॉप लिया था क्या? हाँ मैं एमएससी जामिया से ड्रॉप आउट हूँ, फर्स्ट ईयर मेरा ड्रॉप हो गया था वहां से, मैंने आईआईटी जेएम का मुझे पता था कि मुझे जामिया से नहीं करना, आईआईटी में जाना है, तो मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने आईआईटी में ही जाना है, अभी छोड़ो मजा ही नहीं आ रहा था मुझे। ये तो है ही। और हेमंत कुमार जी, हम जानना चाहते हैं कि जब आप डिमोटिवेट होते हैं, जब कोई भी स्टूडेंट डिमोटिवेट होता है कि उनको लगता है नहीं हो पा रहा है हमसे, तो उनको कैसे मोटिवेट होना चाहिए, घर वालों की कितनी हेल्प रहती है उस चीज के लिए, और दोस्त कितना हेल्प करते हैं? देखो डीमोटिवेट तो आता ही है सभी की, उसमें आता है, लेकिन घर वाले सपोर्टिव हो तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि घर वालों के प्रेशर से ज्यादा आप परेशान होते हैं कि तेरा नहीं हुआ तो फिर तू क्या करेगा, ये सब चीजें। तो घर वाले अगर सपोर्टिव है तो थोड़ा हेल्प मिल जाता है, डीमोटिवेट कम होते हैं फिर। क्या लग रहा है हेमंत कुमार जी, अब सपना पूरा हो रहा है आपका आईआईटी आने का? हाँ हाँ बढ़िया लग रहा है, मजे आ रहे थे कैंपस में, मैं ज्यादा नहीं रहा लेकिन 2 मंथ रहा था मैं, बहुत अच्छा है आईआईटी में, और बढ़िया भी लगता है, रिस्पेक्ट भी मिलती है थोड़ी सी दोस्तों में भी कि आईआईटी से है भाई, है मैथमेटिक्स, तो बढ़िया ही है, आईआईटी का उतना ही अपना बढ़िया है वो। सही है सर, हम जानना चाहते हैं कि आईआईटी जो रुड़की है वहां की लाइफ कैसी है, बात करेंगे कि वहां के कैंपस कैसा है? कैंपस तो बहुत बढ़िया है, सब बेहतरीन है, और वहाँ पे पास में ही गंगा कैनल है, वो भी बहुत बढ़िया व्यू है, बाहर जाके घूमू, ठंडी ठंडी हवा पानी बहुत बढ़िया है, सब बाहर पास में ही है सब अच्छी चीजें, और कैंपस में घूमने की भी बहुत सारी जगह है जहाँ बात कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ये ओके सब हम चीजें बात कर बहुत रहे हैं हैं सर, वहाँ। हॉस्टल कैसा है वहाँ का, हॉस्टल के अंदर फैसिलिटी कैसी है? हॉस्टल जो मुझे मिला था वो अभी न्यू बना है, तो वो बहुत अच्छा बना हुआ है, हॉस्टल भी बढ़िया बना है, न्यू बना है वो, और सिंगल रूम था मेरा, और मतलब बढ़िया था हॉस्टल में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारी सुविधा सारी फैसिलिटीज हैं, एक यहाँ तक कि हॉस्टल आपको कपड़े भी नहीं धुलने पड़ेंगे, कपड़े भी धुल के ही मिलते हैं। ओके, तो हम जानना चाहते हैं कि एक हॉस्टल में एक रूम के अंदर कितने स्टूडेंट रहते थे वहां पर? अभी तो जो हमारा न्यू हॉस्टल है विज्ञान कुंज, उसमें एक स्टूडेंट के सेपरेट रूम वाले ही सिस्टम है, लेकिन सीनियर के साथ ऐसा था कि उन्हें 2 सीटर मिला था, मतलब ओके, आपको अभी ऑफ कैंपस कैसे लग रहा है सर, पहले जब आप आईआईटी में थे और अभी आप ऑफ कैंपस हो, कैसा महसूस कर रहे हो? आईआईटी में बेटर ही है, यहाँ पर घर पे क्या होता है, पढ़ाई भी इतना अच्छा नहीं होता, आईआईटी में स्टडी रूम में जाओ, लाइब्रेरी में जाओ, जहाँ भी जाना है मजे से करते रहो पढ़ाई, यहाँ पे इतना पढ़ाई नहीं हो पाता। ओके सर, आईआईटी जो रुड़की है वहाँ का मेस का खाना कैसा है? मैस का खाना वहाँ का बहुत सही है, और बहुत अच्छा है मैस का, लंच भी अच्छा, ड्रिंक सब बढ़िया है, डिनर वगैरह सब बेहतरीन। ओके, वहाँ पर सर गेम खेलने की फैसिलिटी भी स्टूडेंट को मिलती होगी? हाँ, गली क्रिकेट था वहाँ पे, गर्ल्स बॉयज अपनी क्लास के खेलते थे, हमारे साथ भी था एक बार मीट, लेकिन कोरोना की वजह से वो भी नहीं हुआ, ओके कोरोना की वजह से काफी चीज रह चुकी है, मतलब वहीं पर सर, वहां पर रैगिंग होती है या नहीं होती एमएससी के स्टूडेंट के लिए मोस्टली? रैगिंग वगैरह नहीं होती है, रैगिंग नहीं है वहाँ, अच्छा, तो सीनियर का कैसा सपोर्ट रहता है वहां पर? सीनियर बहुत सपोर्टिव है हमारे, बढ़िया हैं सब, कुछ भी कहो उनसे, असाइनमेंट प्रॉब्लम यहाँ तक कि कोई डाउट भी पूछ लो, और बाकी तो वो टीचर के बारे में किसको कैसे मैनेज करना है वो सब बताते हैं। ओके सर, हम जानना चाहते हैं कि क्या वहां पर प्लेसमेंट भी होता है क्या? हाँ प्लेसमेंट तो है, प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन इतना ज्यादा प्लेसमेंट नहीं होता, जैसे 10 स्टूडेंट बैठ गए तो 5 का हो जाता है लगभग, 5-4 ऐसा, ज्यादा तो नहीं देते प्लेसमेंट, क्योंकि किसको पीएचडी करना है, कुछ को नहीं आईएएस में जाना है, वो अलग अलग में, तो 10 10 में से ऐसे हो जाता 5-4 ओके सर, वहाँ के जो रहता। प्रोफेसर्स हैं वो कैसे हैं?
प्रोफेसर सब बढ़िया है, प्रोफेसर तो सब बढ़िया ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो स्टिक हैं, बाकी सब बढ़िया ही हैं। जो स्टूडेंट अगर हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट जैसे किसी भी आईआईटी में जाता है तो सभी स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या उनको डिफिकल्टी फेस होती है या नहीं होती, क्या लगता है आपको? तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर है जिसका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो उसे डिफिकल्टी आनी है, क्योंकि ऑल फैकल्टीज वो इंग्लिश में टॉक करेंगे, सारे इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में टॉपिक समझाएंगे, हिंदी में कोई नहीं बोलेगा। तो उनको फर्स्ट सेमेस्टर में आती है चीजें समझने में, लेकिन जैसे जैसे धीरे 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 सेमेस्टर एंड की तरफ जाता है या सेकेंड सेमेस्टर में आप आते हो तो सब मैनेज हो जाता है। बात करेंगे सर वहां पर स्टाइफंड के ऊपर कि क्या स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती। हाँ, स्कॉलरशिप मिलती है, एमसीएम से होता है, एमसीएम मिलता है, जो बच्चे टॉप होते हैं क्लास में उनको मिलता है, और सेमेस्टर बाकी अगर वाइज सीजीपीए जैसे पे मेंटेन जिसका है। बात करेंगे जैसे जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है या ओबीसी का कोई स्टूडेंट है तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती? जनरल कैटेगरी वाले को तो नहीं मिलती, लेकिन जो ओबीसी को भी नहीं मिलती, जो एससी उन्हें मिलता है, वो भी उनका रिफंड हो जाता है, मैथ्स फीस रिफंड हो जाता है, जो मैथ्स का फीस होता है खाने का वो रिफंड कर देते। अच्छा मैथ्स मैथ्स का हो जाता है बाकी नहीं होता। हम जानना बाकी कुछ चाहते हैं सर आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर में ये है कि अगर एमएससी के बाद कोई जॉब मिलता है तो कर लेंगे, बाकी तो पीएचडी करना। ओके सर, तो आप लास्ट जो मैसेज है स्टूडेंट को क्या देना चाहोगे? मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि अगर किसी बच्चे का आईआईटी रुड़की में फर्स्ट सेमेस्टर में मेहनत नहीं कर रहा हो, उसका सीजीपीए 4 से लेस है, तो उसे आउट कर देंगे कैंपस से। तो इसलिए अपना मेंटेन रखें, आईआईटी रुड़की में ये रूल है आउट करने वाला, शायद और किसी आईआईटी में ना हो, लेकिन अगर कोई आईआईटी रुड़की में आ रहा है तो उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर में तो मतलब बहुत। 4 CGPA से अगर नीचे होगा तो उसको डिग्री नहीं मिलेगी फिर? यस यस यस, भगा दिया जाएगा, आउट कर दिया है अच्छा आउट कैंपस कर दिया आउट। जाएगा। ठीक दोस्तों मैं है, आपको बता देना चाहता हूँ कि IIT जो खड़गपुर है वहां पर 6 CGPA से नीचे स्टूडेंट को दोबारा से 1 साल और करना होता है, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। किसी भी IIT में जाए, चाहे कौन सी IIT में जाए, NIT में जाए, तो वहां पर CGPA बहुत जरूरी है। तो कम से कम मान के चलिए आपका 7 CGPA तो होना जरूरी है। आईआईटी खड़गपुर में अगर आपका 6 CGPA से नीचे होता है तो आपको डिग्री नहीं दी जाती। वैसे ही हमारे दोस्त ने हेमंत कुमार जी ने बताया कि अगर आईआईटी रुड़की से किसी स्टूडेंट की 4 CGPA से नीचे आता है तो उनको आउट कर दिया जाता है वहां से। तो हेमंत कुमार जी आपने टाइम दिया बहुत बहुत, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। ओके दोस्तों, वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, वीडियो को आप शेयर कर दें हाँ, ताकि सर दूसरे का को भी चैनल सीखे। सब्सक्राइब करिए भाई, सब लोग सर का चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ओके जी।